हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सो दिस इज द पार्ट टू ऑफ सेशन टू ऑफ आवर यूनिट 4. ओके, इन दिस पार्ट वी विल लर्न अबाउट यूजिंग एक्शन बटन्स. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. सो हमने पिछले वीडियो में इसके पार्ट 1 में साउंड क्लिप्स को इंसर्ट करना सीखा था. तो इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्शन बटन्स क्या होते हैं. ठीक है, तो जो एक्शन बटन्स होते हैं वो इंसर्ट टैब में अगर हम जाएं, इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर शेप्स ऑप्शन पर अगर क्लिक करें तो हमें यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट टाइप की शेप्स नज़र आती हैं. बट इन्हीं शेप्स में जो डिफरेंट कैटेगरी, अगर लास्ट कैटेगरी आप देखो क्या है, एक्शन बटन्स की. तो ये क्या है, कुछ एक्शन बटन्स हैं जिनका यूज़ कर आप कर सकते हो. ये भी शेप्स की तरह ही होते हैं दिखने में. जैसे कोई भी एक एक्शन बटन आपने ले लिया, जैसे मैंने ये है, इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली माउस को ड्रैग करना है. जैसे आप दूसरी शेप्स बनाते हो कहीं भी, ठीक है, तो मैंने ये माउस को ऐसे ड्रैग कराया. तो जैसे ही ड्रैग कराते हैं नॉर्मल शेप में क्या तो क्या होता है, बस वो शेप बन जाती है. बट जब एक्शन बटन को आप ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो इसके ड्रॉ होते ही, जैसे ही आप लेफ्ट बटन को रिलीज़ करोगे तो अपने आप ही एक एक्शन सेटिंग्स का डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा. ओके, ये अपने आप ही अपीयर होगा जैसे आप इसको ड्रैग करके ड्रॉ करोगे. ठीक है, तो ये इस एक्शन बटन में दो टैब हैं. ठीक है, सॉरी, एक्शन डायलॉग बॉक्स के अंदर दो टैब्स हैं, माउस क्लिक और माउस ओवर. माउस क्लिक में यहाँ पर हम कुछ एक्शंस बता सकते हैं कि यानी इस बटन पर जब हम माउस से क्लिक करें तो यहाँ पर हम जो भी एक्शंस बताएंगे, डिफाइन करेंगे, वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा हम जब भी इस बटन पर क्लिक करेंगे. ठीक है, और एक माउस ओवर टैब पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ भी एक्शन कुछ वैसे ही है, हम कोई भी एक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. बट ये एक्शन कब परफॉर्म होगा, जैसे ही माउस हमारा इसके ऊपर आएगा तो वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा. अभी माउस ओवर में हमने नन को सेलेक्ट कर रखा है, इट मीन्स अगर मैं इसके ऊपर माउस ले जाऊंगा तो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा. बट अगर आप चाहते हो इससे भी कोई एक्शन परफॉर्म हो तो नन की बजाय आप दूसरे एक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, उसके अलावा माउस क्लिक, अभी हम माउस क्लिक पर करते हैं, माउस ओवर का नहीं कर रहे. तो माउस क्लिक पर क्या करते हैं कि यहाँ पर एक तो नन है, अगर आप चाहते हो कि क्लिक करने से भी कुछ ना हो तो नन कर दे तो एक सिंपल शेप के रूप में बन जाएगा. ओके, बट अगर हमें तो अगर सिंपल शेप लगानी हो तो हम शेप से लगा लेते. तो कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हाइपरलिंक. हाइपरलिंक का मतलब है कि अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो कोई दूसरी चीज़ ओपन हो जाए. अब दूसरी चीज़ में क्या है, यहाँ पर इसका जो ड्रॉप डाउन बटन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट स्लाइड. अगर आप चाहते हो इस पर क्लिक करने से नेक्स्ट स्लाइड आ जाए तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं. बट एक्चुअली वैसे तो आप कहीं भी क्लिक कर दो तो नेक्स्ट स्लाइड तो वैसे ही आ जाती है स्लाइड शो में. ठीक है, तो ये भी ज़्यादा यूजफुल नहीं लगता. इसके अलावा प्रीवियस स्लाइड, हाँ, बट अगर आप प्रीवियस स्लाइड पे आप बनाना चाहते हो, जैसे ये तो फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड से तो प्रीवियस कुछ होती ही नहीं है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसका भी कोई सेंस नहीं बनता. बट अगर सेकंड स्लाइड पर आपने ये बटन लगाया था तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो कि इस बटन पर मैं क्लिक करूँ तो मैं फर्स्ट स्लाइड पे आ जाऊँ. ओके, तो ऐसे फिर अलग अलग स्लाइड दे रखे, फर्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड पे अगर आप जाना चाहते हो तो कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो. अगर आप पर्टिकुलर स्लाइड पर जाना चाहते हो तो यहाँ पर अगर नीचे और स्क्रोल करोगे तो और भी ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे स्लाइड. तो यहाँ पर आप स्लाइड खुद सेलेक्ट कर सकते हो. इस पर क्लिक करते ही फिर से स्लाइड के नंबर्स आ गया, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3. तो मैं चलो अभी इसके लिए एक बार स्लाइड 3 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके पे क्लिक कर देता हूँ. ठीक है, तो ये स्लाइड 3 यहाँ पे आ गया. अब मैं ओके बटन पर क्लिक करता हूँ. तो जैसे ही मैं ओके बटन पर क्लिक करूँगा तो ये एक बटन बन गया. अब मैं बट यहाँ पर कुछ नहीं होगा, मैं स्लाइड शो को रन करता हूँ. स्लाइड शो को रन करने के लिए ये स्लाइड शो बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये स्लाइड शो रन हो गया है. ठीक है, अब ये तो हमने जो साउंड लगाई थी वो साउंड आ रही है पीछे, जो बैकग्राउंड में पिछले वीडियो में हमने लगाई थी वो अभी भी लगी हुई है यहाँ पे. तो अब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ध्यान देखना, ये मैं स्लाइड 1 पे मैंने इस पे क्लिक किया तो जैसे ही क्लिक किया मैं कहाँ पहुँच गया, स्लाइड 3 पर आ गया हूँ. ठीक है, तो एक्शन बटन ने अपना काम परफॉर्म कर दिया जो भी मैंने सेट किया था. अब मैं वहाँ से बाहर निकलता हूँ. ठीक है, सो स्लाइड 1 पे दोबारा आता हूँ. अब अगर इसका वर्क आपको चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे, दोबारा इस एक्शन बटन पर राइट क्लिक करेंगे और इस पर एक ऑप्शन आएगा एडिट हाइपरलिंक.
ओके तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, फिर से वही एक्शन सेटिंग्स वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा। और यहाँ पर अब आप फिर से चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह आप कुछ और काम करना चाहते हैं, आप जैसे URL सेट कर सकते हैं कि इस बटन पर आप क्लिक करें, जैसे आपने URL किया तो यहाँ पे URL डालेगा, मतलब URL पूछेगा आपसे, तो मैं URL में चलो डाल देता हूँ एक बार https://, और www.facebook.com। अब ये क्या है, फेसबुक की जो वेबसाइट है उसका मैंने URL डाल दिया, यानी एड्रेस डाल दिया है, वो मैंने कर दिया है ओके। ओके तो ये मैंने ओके कर दिया, और अब यहाँ पर भी ओके कर देता हूँ दोबारा। तो अब क्या बन गया, ये एक एक्शन बटन ही है ये भी, बट इसका वर्क चेंज हो गया। अब इसका वर्क क्या हो गया कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो फेसबुक की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाए। ओके तो करके देखते हैं इसको, मैं स्लाइड शो को रन करता हूँ यहाँ से, स्लाइड शो मैंने रन किया तो ये आ गया, स्लाइड शो आ गया। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो देख जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखे अपने आप ही मेरा गूगल क्रोम ब्राउज़र है वो ओपन हो गया, और उसमें ये फेसबुक का फर्स्ट पेज जो है वो ओपन हो गया, तो यानी वेबसाइट ओपन हो गई है। ओके अब मैं यहाँ पर कोई भी लॉगिन आईडी वगैरह डाल के इस पर वर्क कर सकता हूँ। ओके अब मैं वापस अपनी प्रेजेंटेशन में चला जाता हूँ, तो ओके यहाँ पर मैं प्रेजेंटेशन में आ गया हूँ, यहाँ से इससे बाहर निकलता हूँ, ठीक है, फिर से राइट क्लिक करता हूँ, एडिट हाइपरलिंक्स पे जाता हूँ, तो यहाँ पर आप URL भी ऐड कर सकते हो, URL के अलावा कोई दूसरी फाइल, जैसे यहाँ पर ऑप्शन है अदर फाइल का, मैं अदर फाइल ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा हाइपरलिंक टू अदर फाइल, तो यहाँ पर आप कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद कोई भी फाइल, जैसे भी फिलहाल मैं ये चलो आई लिव इन इंडिया, ये वाली फाइल मैंने सेलेक्ट कर लिया और ओके बटन पे क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पर उस फाइल का एड्रेस आ जाएगा, और ओके बटन दोबारा कर देता हूँ। तो अब ये यही एक्शन बटन बन गया किसी और फाइल को ओपन करने के लिए, तो मैं स्लाइड शो को रन करता हूँ, अब इसी बटन पर फिर से क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही इस बार मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, एक पहले तो वार्निंग मैसेज आ रहा है, ये सिंपली ये बता रहा है कि फाइल है जो कहीं और से ओपन होने की कोशिश की गई है इसको ओपन करने की, तो ये अनसेफ हो सकती है, अगर आप श्योर हैं कि ये सेफ है तो यस कर दें, तो मैंने यस कर दिया। तो जैसे ही मैंने यस किया, थोड़ा सा टाइम लग रहा है ओपन होने में, तो ये देखिए वो आई लिव इन इंडिया वाली जो फाइल है वो अपने आप ओपन हो गया, उसमें जो भी वर्क आपने कर रखा होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, तो MS Word की फाइल थी वो ओपन हो गया। तो इस प्रकार से, ठीक है, मैंने अब इसको क्लोज कर दिया इस वर्ड वाली फाइल को, तो मैं वापस यहीं पर आ गया हूँ, मैं एस्केप बटन दबाता हूँ स्लाइड शो को क्लोज करने के लिए, ठीक है, तो ये स्लाइड शो बंद हो गया। तो इस प्रकार हम एक्शन बटन्स बना सकते हैं और उन पर अलग अलग वर्क बता सकते हैं। इसी में मैं एक बार फिर से जाता हूँ, कुछ और भी वर्क कर सकते हैं, तो हाइपरलिंक का तो मतलब क्या कि इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो या तो कोई दूसरी फाइल ओपन हो जाएगी, या दूसरे स्लाइड ओपन हो जाएगी, यानी हम वहाँ पहुँच जाएंगे, या कोई दूसरी वेबसाइट पर आप जा सकते हो, ठीक है, तो ये तो है हाइपरलिंक। अगर रन ए प्रोग्राम, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ से ब्राउज करके कोई भी दूसरा प्रोग्राम, जैसे आप MS Word ओपन करना चाहते हो या Excel ओपन करना चाहते हो, तो ब्राउज में जाके वो सेलेक्ट कर सकते हैं, तो जो भी प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर लोगे ओके करके, तो इस बटन पर क्लिक करने से वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रन मैक्रो एंड एक्शन, ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, इनको भी हम छोड़ देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्ले साउंड पर, आप कोई प्ले साउंड करना चाहते हो इस पर क्लिक करने से, अभी मैं इसको तो नन कर देता हूँ, वैसे आप दोनों भी कर सकते हैं एक साथ, तो यहाँ पर मैंने कर दिया कि इनमें से तो कुछ भी ना हो बट प्ले साउंड हो कौन सी, अब यहाँ से साउंड सेलेक्ट कर लेंगे हम, सपोज करो मैं ये बॉम्ब वाली साउंड ले लेता हूँ और ओके बटन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो एक ये वाली जो साउंड थी मैं इसको सेलेक्ट करके ये जो अपने आप बज रही है इसको बंद कर देता हूँ, ऑन क्लिक के ऑन क्लिक करूँ तभी बजे, ताकि क्योंकि हर बार स्लाइड शो ऑन करते ही स्टार्ट हो जाती है, तो इसको मैंने स्टॉप कर लिया, ठीक है। अब स्लाइड शो को रन करते हैं, तो अब देखिए अब की बार वो साउंड नहीं बजी क्योंकि हमने स्टॉप कर दी थी, बट अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, ये देखिए वो जो बॉम्ब की साउंड मैंने लगाई थी, जितनी बार मैं क्लिक करूँगा इस पर वो साउंड आएगी, ठीक है, जब भी मैं क्लिक करूँगा वो साउंड आएगी। तो इस प्रकार आप कोई पर्टिकुलर साउंड्स भी असाइन करा सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे एक्शन बटन्स, राइट क्लिक करके एक बार फिर देख लेता हूँ कोई रह ना गया हो इसमें से, ओके तो ठीक है।
आप इनके अलावा कुछ अलग साउंड लगाना चाहते हो तो अदर साउंड पे जाएंगे के भी लगा सकते हैं। तो फिर यहाँ से ऐसे जैसे कि ये म्यूजिक वाली साउंड थी या कोई थी, ठीक है, तो वो सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो साउंड सेट हो जाएगी। तो इस पर क्लिक करेंगे तो वही साउंड बचेगी जो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हो। अब यही सारे वर्क यहाँ हैं, यहाँ पर भी कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो माउस के जाते यानी क्लिक भी ना करना पड़े, माउस आप ले जाओ तो इनमें से कोई भी वर्क हो जाए, तो जो भी वर्क आप बताएंगे वो हो जाएगा। ओके, तो दोनों में से ऑप्शन वही सेम है, तरीका भी सेम है, बस ये एक ये वाले हैं जब क्लिक करने से होंगे और ये वाले जो एक्शन है वो परफॉर्म होंगे सिर्फ माउस को इसके ऊपर ले जाते ही, ठीक है, माउस ओवर। सो ये था आज का कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने सीखा कि हम एक्शन बटन्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं, किन किन कामों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जब एक्शन बटन आपका बनता है तो यहाँ पे एक फॉर्मेट टैब आ जाती है। इस एक्शन बटन की आप इमेज वगैरह चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, इसकी जगह आप कोई दूसरी लगाना चाहते हो राइट क्लिक करके। तो जैसे अब यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा चेंज पिक्चर का, तो इसमें नहीं आ रहा, और चलो और बहुत सारी चीज़ें जो फॉर्मेटिंग या फॉर्मेट टैब में आके आप यहाँ पे यहाँ से इसका लुक अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। जैसे बटन थोड़ा सा और स्टाइलिश बनाना है, ठीक है, इस पर इफेक्ट्स लगाने हैं, कोई शेडो का इफेक्ट लगाना है या ग्लो कराना है इस बटन को, तो ये थोड़ा सा हमने ग्लो करा दिया, ठीक है। तो आप डिफरेंट इफेक्ट्स यहाँ से लगा सकते हैं फॉर्मेट टैब से। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर से मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड कीप ऑन स्टडिंग। Wish you all the best.